जी ये कल अब इतना सारा बुलाऊं तो है? आप लोग ले नहीं पा रहे हैं, यही खबर है। कौन स्मृति रानी किस मामले में पूछ रहे थे? अच्छा, स्मृति रानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज़्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में, और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति रानी जी आई हैं तो ज़रूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और यदि तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। और यहाँ जितने भी घटनाएं हुई है सबके खिलाफ FIR हुआ है और सब में कार्रवाई हुई है। ये सब कुटेजा ने पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, अपनी व्यथा बयां की है उन्होंने, और निवेदन भी किया है कि अब तो मुझे बख्श दीजिए, मैं पहले ही पीछे चल रहा हूँ, मेरे से जूनियर अधिकारी 4 साल आगे पद पर नियुक्त। रमन सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दे। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था, नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अनिल टुटेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों जांच के दायरे में होना चाहिए? 2011 से या उसके पहले से 2004-05 से क्यों नहीं होना चाहिए? जब ईडी जब फाइल खोलती है तो फिर वो 90 में कब खरीदे, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, 85 में कितना था, 2000 में कितना था, ये जब पूछते हैं तो ईडी क्यों नहीं पूछना चाहिए 2011 का मामला क्यों नहीं पूछ रही है? सवाल तो इस बात का है, आखिर किसको बचा रहे हैं? और रमन सिंह जी इसमें नहीं आए थे क्या, क्योंकि पिछले समय आए थे तो चुटका दिए थे, इस समय नहीं दे रहे हैं। चलिए और कोई सवाल, आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूँ। सर, धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है, अवैध परिवहन को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? अभी जो अवैध परिवहन करते जो भी
इस प्रकार से दूसरे राज्यों से यदि धान यहाँ खपाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने नाकेबंदी भी की है, पुलिस भी अलर्ट किया है और जिला प्रशासन को भी कहा है कि हमारे किसानों के धान खरीदी होना चाहिए, दूसरे प्रदेशों के धान खरीदी नहीं होनी चाहिए, कोचियों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूँ, आज दो दिन का कार्यक्रम, आज और कल दो दिन, चांपा जहांगीर और कलतरा विधानसभा, फिर उसके बाद फिर राजनांदगांव खैरागढ़ विधानसभा जिला, खैरागढ़ तो हो चुका है, जा चुका हूँ, खैरागढ़ भी नहीं जाऊँगा, लेकिन डोंगरगांव का आधा हिस्सा, डोंगरगढ़ का आधा हिस्सा उसमें पड़ता है, तो डोंगरगढ़ जाऊँगा, डोंगरगांव भी जाऊँगा, राजनांदगांव और उस दुर्ग संभाग के कुछ विधानसभा करूँगा। और कोई सवाल? गढ़मुक्तेश्वर में कल आपने कहा था कि किसका रिजॉर्ट है, जवाब तो नहीं आया, तो कुछ आप ही बता सकते हैं? नहीं तो पहले जवाब तो लें फिर हम बताएंगे कि इतना उनके पास आय से अधिक संपत्ति कैसे आया, उसका खुलासा करे रमन सिंह जी। हमने तो कहा 1500 गुना बढ़ा है, उसका जवाब दे। ये आरक्षण को नंद कुमार साय जी जो 20% है उसको शून्य करार दिया है। 32% करने के लिए हमने तो विधानसभा विशेष सत्र बुलाया है। अनंत कुमार साय जी, ननकी राम कंवर जी, सोहन पोटे जी, बलिराम कश्यप जी, तमाम जितने आदिवासी नेता थे पहले, रमन सिंह बिल्कुल उसको साइड ट्रैक किए थे और रमन सिंह के समय ही ये 2004 से लेके 2012 तक के आदिवासियों को 20% मिलता रहा, इन लोगों को बिल्कुल बोलती बंद करके रखे थे। ठीक है, कहाँ बोले हैं? अरे मैं बोला हूँ, उसका पहले जवाब दे। आप जब विपक्ष में थे तो कमेटी बनाए थे, लेकिन उसका उस कमेटी ने क्या क्या अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा, रिपोर्ट की मांग कर कौन सा एसआईटी की आपने कमेटी बनाई? हाँ, तो उसके खिलाफ पीआईएल क्यों लगवाया था धरमलाल कौशिक से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? ठीक है, आपने रमन सिंह को कहा था 24 घंटे के अंदर माफी मांगे, बिल्कुल उसका जवाब तो आना चाहिए, आया नहीं है अभी। हाँ तो उसको लो ना जवाब, वही मैं कह रहा हूँ। जवाब